हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज। सो इस क्वेश्चन में अपना की कंसेप्ट होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमें कहा गया है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है एंड मोनोक्रोमैटिक लाइट का जो वेवलेंथ होता है, बेसिकली मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, ये वो लाइट होता है जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होता है, यानी कि सिंगल वैल्यू ऑफ लैम्डा होता है, वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं हम लोग। मोनोक्रोमैटिक लाइट जो कि जिसका लाइट रे प्रोपेगेट कर रहा है एयर में और फिर वो सरफेस ऑफ वाटर को इंसिडेंट करता है। तो लेट्स से ये हमने दो मीडियम ले लिया और ये बीच में सेपरेशन है। ऊपर ये एयर है एंड नीचे ये वाटर है एंड लाइट रे, इसको नॉर्मल ले लेते हैं सबसे पहले, नॉर्मल लाइन। एंड लाइट रे किसी एंगल पे आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक करता है। इसका क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा वाटर में। जो ये वाला हमारा होगा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा एंड कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ऐसे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ये जो चारों चीजें हमें निकालनी है, पता करना है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। एयर हो गया एंड वाटर हो गया। सबसे पहले हमें ये पता है कि एयर में जो स्पीड होगी इसकी, वो अगर सी है तो वाटर में सी स्पीड हो जाएगा सी अपॉन म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो स्पीड तो हमारा सेम नहीं होगा यहाँ पे, तो स्पीड कैंसिल हो गया। अब बोला है हमें वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अगर एयर में लैम्डा है तो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, वाटर में वेवलेंथ भी सेम नहीं होगा। एंड एनर्जी हमें पता है कि ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी डिपेंड करता है लैम्डा पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लैम्डा अलग है तो एनर्जी भी अलग होगा। लेट्स से अगर यहाँ ई है तो यहाँ पे कुछ ई डैश होगा एनर्जी, एनर्जी भी नहीं हो सकता। बट फ्रीक्वेंसी जो है ये म्यू रहता है और ये वाटर में भी म्यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।